कैसे शुरू करें चप्पल बनाने का बिजनेस। बिजनेस को लेकर लोगों में हमेशा ही क्रेज रहता है, लेकिन किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद इस बात का हिसाब लगाना होता है कि क्या आपको निवेश करने के बाद इस बिजनेस से इतना प्रॉफिट होगा कि आप ये बिजनेस लगातार करते रहें। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस करें, तो हम आपको आज एक ऐसा बिजनेस बताएंगे जिसमें कमाई के चांसेस तो हैं ही, साथ ही इन्वेस्टमेंट भी कम करना होगा। हम बात करें चप्पल बनाने के बिजनेस की। चप्पल बनाने का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कम लागत के साथ शुरू कर सकते हैं। चप्पल बनाने के बिजनेस को आप चाहें तो अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं या फिर किसी छोटी सी जगह से भी शुरू कर सकते हैं। चप्पल बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल, हवाई रबर शीट, ट्रैप शीट, पैकिंग के लिए जरूरी सामान की जरूरत होती है। चप्पल बनाने के लिए जरूरी मशीनें, हैंड ऑपरेटेड सोल कटिंग मशीन, होल मेकिंग मशीन, फिनिशिंग ग्राइंडिंग मशीन, विभिन्न रंगों और साइज के लिए डाई कटिंग मशीन, हैंड ऑपरेटेड टूल। चप्पल बनाने की प्रक्रिया, सबसे पहले आपको रबर की शीट को सोल कटिंग मशीन की मदद से काटना होता है। ध्यान रखें कि आप एक ही डाई से पूरी शीट की कटिंग करें। कटिंग के बाद ग्राइंडिंग मशीन की मदद से स्लीपर के चारों तरफ के खुरदरे भाग को प्लेन किया जाता है। चप्पल की कटिंग हो जाने के बाद इसे प्रिंट करना होता है। इसमें काफी कम खर्च आता है। एक बार चप्पल प्रिंट हो जाने के बाद कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दी जाती है। इसके सूख जाने पर इसे ड्रिलिंग मशीन की मदद से जरूरी जगहों पर किए गए सुराख को बड़ा किया जाता है। इसके बाद स्ट्रैप डालने की मशीन की मदद से इसमें फीते लगाए जाते हैं। इस तरह से आप चप्पल तैयार करके बाजार में बिकने के लिए भेज सकते हैं। किन किन जरूरी लाइसेंसेस की आवश्यकता होगी? अगर आप ये बिजनेस छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, और अगर आप बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उद्योग आधार या फिर भारत सरकार के MSME के अंडर अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा। इसके अलावा आपको अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन ISI के अंडर फाइल करना होता है। बिजनेस को सही से चलाने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस, फर्म का करंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड तैयार करना जरूरी होता है। निवेश कितना करना होगा? इस बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्तर पर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर आप छोटे स्तर पर शुरू करते हैं तो आपको लगभग 1 लाख तक के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, और अगर आप बड़े स्तर पर बिजनेस करना चाहते हैं तो लगभग 5 से 6 लाख तक की जरूरत पड़ती है। प्रॉफिट कितना होगा? आमतौर पर एक चप्पल बनाने की कॉस्ट लगभग 30 से 40 रुपए तक होती है। ये चप्पल बाजार में कम से कम 90 से 100 रुपए में बिकती है। अगर आप रोज 12 घंटे तक मशीन की मदद से चप्पल बनाते हैं तो दिन भर में छोटे स्तर पर लगभग 100 दर्जन और बड़े स्तर पर करीब 250 दर्जन यानी कि 3500 से 4000 तक चप्पल बनाई जा सकती है। ये हिसाब से छोटे स्तर पर लगभग 10,000 प्रति महीने और बड़े स्तर पर लगभग 30,000 से 40,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। मार्केटिंग कैसे करें? आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग शहर के सभी छोटे बड़े चप्पल जूतों की दुकान में कर सकते हैं। आप अपनी चप्पल को बड़े शॉपिंग मॉल तक भी पहुंचाकर आसानी से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। साथ ही अपने चप्पल का प्रचार आप रेडियो, अखबार, होर्डिंग, पोस्टर से भी कर सकते हैं। बस एक बार चप्पल का ऑर्डर आना मार्केट से शुरू हो जाए, फिर निकल पड़ा आपका बिजनेस। तो देर किस बात की, आप भी अपना चप्पल बनाने का बिजनेस आज से शुरू करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। OkCredit आपके बिजनेस का सच्चा साथी।